देखो मैं इस चीज को निकाल रहा हूँ, बहुत ज्यादा दम लग रहा है इसको निकालने में। माय फोन सेज दैट इट इज 16 डिग्री सेल्सियस, पर अभी बिल्कुल भी देखकर नहीं लगता कि दैट इट इज मोर देन 10 डिग्री सेल्सियस इन दिल्ली राइट नाउ। हे एवरीवन, माय नेम इज ध्रुव एंड यू ऑल वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई ध्रुव। एंड सर्दी की जो हवा है ना दिल्ली के अंदर, स्पेशली दिल्ली एक्सट्रीमली विंटर्स भी आपको देता है एंड एक्सट्रीम समर्स भी आपको देता है। देयर इज नो डाउट दैट दिल्ली इज लेस देन अ हिल स्टेशन। Many of you already know that I purchased a Classic 350 matte color जो अभी recently 2020 के अंदर launch हुई थी in October 2020 and उसके ऊपर PPF lamination की video भी मैं लेकर आया था। पर हर किसी का ये question था कि that I have seen many videos, लोगों ने बहुत सारी videos देखी और उन्होंने ये notice किया कि बहुत सारे consumers की ये complaint थी that their matte color was turning into gloss। ये क्यों हो रहा था? Royal Enfields are making low paint quality or anything? No, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। And कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसा भी कहना था कि कॉम्पिटिटर्स ने उनकी फोटो अपलोड कर दी है फॉर रॉयल एनफील्ड्स डिसग्रेस की, नहीं उनकी बाइक्स ऐसी हैं वैसी है। नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं है। पेंट का ध्यान रखना पड़ता है एंड मैट बाइक्स, स्पेशली ग्लॉस बाइक्स को तुम जितना रगड़ोगे वो उतना ज्यादा निखर के आएंगी। मैट बाइक्स को तुम जितना रगड़ोगे ना वो उतनी ज्यादा ग्लॉस हो जाएंगी। एंड ऑफ द डे निकल के सामने ये आता है कि अब करें तो करें क्या। पहले तो ये करो, अगर आप न्यू इस चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब कर दो एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, जहां पर मैं देने वाला हूं सारे के सारे लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट दिस बाइक्स। इस वीडियो के अंदर मैं सामने लाने वाला हूं आप सबके लिए वो 5 मेजर टिप्स दैट यू नीड टू फॉलो। इस वीडियो के बाद आने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछे थे। इस वीडियो को लास्ट तक देखना एंड वीडियो के अंदर मैं ज्यादा बोलने भी वाला हूं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी है कि अगर एक बार सुन लोगे तो 3-4 साल जो बाइक है वो आपकी अच्छे से विदाउट एनी रीपेंट चल जाएगी। सो कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मेंटेनिंग अ क्लासिक 350 स्टेल्थ ब्लैक और एनी कलर यू हैव इन मैट कलर, मैट कलर के अंदर बाइक होनी चाहिए। इस चीज को ट्राई मत करना अपनी क्लॉस बाइक के ऊपर, क्योंकि फिर उसके ऊपर गंदी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ ट्राई करना है आपको अपनी सिर्फ मैट बाइक के ऊपर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट वॉशिंग। अपनी बाइक को सबसे पहले तो अगर वो चाहे कितनी भी गंदी हो या फिर काफी टाइम से धुली ना हो या फिर बारिश के बाद चलकर आई हो, उसको जरूर एक नेचुरल पानी से धो देना। जो खारा पानी नहीं होता उससे मत धोना, नॉर्मल नेचुरल पानी से धोना। जो लोग मेरे देख रहे हैं ऐसी जगह से जहाँ पर सिर्फ खारा पानी आता है, तो गाइस एक बार उस पानी के अंदर साबुन वगैरह मत मिलवाना। साबुन अगर आप एक सौर पानी के अंदर मिलवाते हो तो फिर वो जगह जगह हार्ड वाटर कंपाउंडिंग शुरू हो जाएगी बाइक के अंदर, रस्टिंग वगैरह शुरू हो जाएगी। ये मैट कलर कभी इस इंडस्ट्री के अंदर था नहीं, एक मिडिल क्लास सेगमेंट बाइक्स के अंदर कभी नहीं था। ये चीज़ एक बड़ी बाइक से ली गई है, ये कहीं छोटी बाइक से नहीं गई है। बड़ी गाड़ियों की जो, जब भी आप अपनी बाइक को वॉश करवा रहे हो उसको करवाना है आपको एक नॉर्मल वाटर से वॉश, प्रेशर वॉश करवा लो, नॉर्मल करवा लो, लेकिन उसके अंदर उस सामने वाले को बोलना कि अपना जो साबुन वाला या फिर जो सोपी वाटर का जो क्लोथ है उसको बार बार उसके ऊपर ना रगड़े, जिससे टैंक के पास स्क्रैचेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। सेकेंडली, जब आपकी बाइक हो जाए वॉश, उसके बाद उसको जो वाइप करवाना है या तो एयर ड्राई होना चाहिए, जो प्रेशर से एयर ड्राई होती है हमारी बाइक, जो आपने देखा एक फनल लगा होता है उससे सारा का सारा पानी हवा में उड़ा देते हैं, उससे करवा देना एयर ड्राई। एंड बाद में यूज़ करवाना उस बाइक को सुखाने के लिए एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ठंड तो ज़्यादा हो ही चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको माइक्रोफाइबर दिखाना भी ज़रूरी है। लाइक यू कैन सी माय जैकेट, दिस इज़ एक्चुअली माइक्रोफाइबर, दिस इज़ अ माइक्रोफाइबर कॉटन क्लॉथ जो हमारी जैकेट के अंदर जो टाइप ऑफ फर होता है, ये चीज़ आपको मिल जाएगी आपके टॉवल्स के अंदर, आपके घर के कपड़ों के अंदर, या आप समझ सकते हो या फिर आप किसी भी मोटो स्टोर के ऊपर जाओगे वहाँ पर आपको माइक्रोफाइबर मिल जाएगा। एंड इस वीडियो के अंदर मैं जितने भी सामान लिस्ट करने वाला हूँ सारे की डिटेल्स एंड उसके जो लिंक्स हैं ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आपको जो भी सामान चाहिए होगा वहाँ से नीचे से ले लेना। एंड ऑल्सो जब आप माइक्रोफाइबर यूज़ करोगे अपनी बाइक के डेली यूज़ के अंदर, उसको नॉर्मल क्लीन अप करने के अंदर या फिर उसको नॉर्मल कुछ भी करने के अंदर, वो 99% रिड्यूस कर देगा आपके चांसेस टू हैव अ स्क्रैच ऑन योर बाइक एंड योर बाइक विल बी गुड एज न्यू। फर्स्ट पॉइंट हो चुका है क्लीनिंग, जहाँ पर आपको यूज़ करना है एक बेटर साफ रनिंग वाटर यूज़ करना है, वो वाला पानी नहीं लेना है बिल्कुल भी जिसके अंदर पहले से ही मिट्टी हो, क्योंकि जो आपके धूल के जो कण होते हैं वो आपकी बाइक के ऊपर स्क्रैच डाल देंगे जब आप उनको बाइक के ऊपर रगड़ोगे, आप समझ गए ना। सेकेंड चीज़ इस बात की आ जाती है दैट यू नीड टू यूज़ पॉलिश। भैया मैं अपनी बाइक साफ कर दी है, धुलवा ली है, क्या मैं उसके ऊपर पॉलिश मार दूँ? क्योंकि पॉलिश मारने के बाद जो ब्लैक कलर है उसका कॉन्ट्रास्ट इतना ज़्यादा उभर कर बाहर आता है कि किसी से रहा नहीं जाता और हर कोई पॉलिश लगवा बैठता है। पॉलिश लगवाने का फायदा तो ये होता है कि चलो बाइक बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है, पर उसका ये डिसएडवांटेज होता है कि उसकी जो चमक है ना पॉलिश की परमानेंट रह जाती है, आपका जो मैट कलर है वो खत्म हो जाता है, लिटरली ख़त्म हो जाता है। क्योंकि पॉलिश के अंदर ऐसे केमिकल्स एंड एक्सट्रैक्ट्स होते हैं जो बॉडी से ना चिपकने का काम करते हैं,
एंड वॉट वी टेन टू डू इज हमने पॉलिश मार दी. पॉलिश लगने से कुछ नहीं होता है, जब पॉलिश एक बार लग जाती है वो दूर दूर से सारे के सारे धूल अपनी तरफ और डस्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. देन वॉट वी डू, हम वही माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेते हैं ये सोच के कि चलो यार ध्रुव ने बताया कि माइक्रोफाइबर यूज करना है. जब भी तुम हमें ब्लाइक क्लीन कर रहे होंगे, आप उसी पॉलिश सर्विस पे जहाँ पर धूल बैठ चुकी है उसको ऐसे करके आराम आराम से सारे की सारी धूल उतार देते हो. एंड वॉट दैट रिजल्ट इज कि आपका मैट कलर माइक्रोफाइबर के साथ उतर जाता है. आपको पॉलिश बिल्कुल भी यूज नहीं करनी है. अगर आपको अपनी बाइक क्लीन करनी है देन यू नीड टू यूज जस्ट द माइक्रोफाइबर क्लॉथ एंड नो पॉलिश ऑन योर मैट सर्फेस. जहां पर भी आपका ग्लॉसी सर्फेस है वहां पर आप पॉलिश बेफिक्र होकर लगाओ, टायर्स पे लगाओ, इंजन बॉडी पे लगाओ, साइलेंसर पे लगाओ, लेकिन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको पॉलिश ऑन योर टैंक, द फेंडर, द रेयर फेंडर और मीटर कंसोल होता है जहां पे हमारी बाइक का हेडलाइट के ऊपर जो मीटर के आगे जो एरिया होता है जो मैट पेंट के अंदर पेंटेड होता है वहां बिल्कुल भी मत यूज करो, बाइक बहुत ज्यादा शैबी लगे. एंड अभी जहाँ तक बात पॉलिश की चल ही रही है वहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको कौन कौन से एरियाज पॉलिश करने हैं. ओके, सो जब नेक्स्ट पॉइंट पर हम आ जाते हैं दैट इज द सेकंड पॉइंट दैट विच पार्ट्स टू पॉलिश इन दिस बाइक. आपको क्या करना है, यू नेवर नीड टू पॉलिश द मैट कलर्ड मैट पेंटेड पार्ट्स विच इज द मड गार्ड, द मत्था, यू कैन से द मत्था बिकॉज दिस इज द हेड ऑफ बुलेट, योर टैंक एंड दिस बॉडी पार्ट्स एंड योर बॉक्सेस. यू नेवर नीड टू जस्ट पॉलिश देम. ये जो टायर है, जो हमारा साइलेंसर है, हमारा इंजन बे है, आपको इस एल शेप्ड पोर्शन को करना है पॉलिश. इसके अलावा कुछ भी और पॉलिश नहीं करना है आपको. एंड सेम गोज विद दिस साइड, द एल शेप पोर्शन नीड टू बी पॉलिश इन मैट बाइक्स, नॉट द टैंक एट ऑल. इन सबको आपको बिल्कुल भी पॉलिश यूज नहीं करनी है किसी भी टाइप की, चाहे वो ऑयल बेस्ड पॉलिश हो, चाहे वो वैक्स बेस्ड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सिलिकॉन हो, चाहे वो मैं आऊँगा वो जो स्प्रे वाली पॉलिश आपको पता है ना सब सबको, मैं उस पर भी आऊँगा. अभी रुको, मैं आपको बताता हूँ आगे इफेक्टिव चीज़ बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हो. आपने मेरी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी देखा ज़रूर था कि मैंने उसके बाद PPF एंड लैमिनेशन करवाई थी. लैमिनेशन या फिर पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बाइक को एक्सटर्नल डैमेज से बचाती है. एक्सटर्नल डैमेज इन द सेंस कि जो स्मॉल पेल्टिंग स्टोन्स होते हैं जो गाड़ियों से उड़ उड़ के हमारे बाइक्स के ऊपर आते हैं वो हो गया. सेकंड चीज़ हो गई हमारे जो एक्सटर्नल स्क्रैचेस हो गए. थर्ड थिंग हो गई हमारे उसके ऊपर कुछ भी गिर गया या फिर कुछ भी हो. अगर आपको अपनी बाइक मेंटेन करनी है तो PPF करवाना एक काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी पार्ट आ जाता है, स्पेशली इन दीज बाइक्स या फिर कोई भी बाइक हो. अब ये वाला पॉइंट याद करो, जब मैं आपको पॉलिसीज के बारे में बता रहा था, अब मार्केट के अंदर क्या चल रही है, 300 रुपीज की एक बॉटल आती है दैट इज द एरोसॉल पॉलिश, जिसको आप स्प्रे करते हो और एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वाइप कर देते हो, दैट इज इट. वो आपकी बाइक को क्लीन रखती है. इफ यू गाइस वांट PPF वर्सेस सिरेमिक कोटिंग, द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म और द सिरेमिक कोटिंग इन क्लासिक 350, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो. इसका एक काफी तगड़ा कंपैरिजन रिव्यू मैं बनाऊंगा आप सबके लिए. आप में से जितने लोग कमेंट करोगे उतनी ज़्यादा अच्छी बात है, तो कि पता चल जाएगा ना कितनी डिमांड है उस वीडियो की, तब जाके बनाएंगे उस वीडियो को. कि काफ़ी सारे लोगों ने ये वाली पॉलिश ज़रूर रेकमेंड करी थी. एंड अब आ जाती है जो मैंने इसके ऊपर लैमिनेशन या फिर PPF करवाई है. अगर आपको अपनी बाइक को मेंटेन करना है, मैं अपनी तरफ से क्योंकि मैं एक क्लासिक 350 जिसके ऊपर मैंने PPF करवाई है वो ओन करता हूँ, एंड अगर मैं पॉलिश यूज़ करता तो उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं. इफेक्ट्स तो चलो कुछ नहीं होते, ये जो पॉलिश है ये बनी ही मैट कलर के लिए है. ओके, तो इससे आपका ग्लॉस होने का कोई चांस नहीं है. सो यू नो नीड, अगर आपको पॉलिश यूज़ करनी है तो वो कर लिए, लेकिन पहले मेरी बात सुनो. चलो मैं एक बहुत ही ज़्यादा सिंपल चीज़ से समझाता हूँ. जब भी आप अपना फ़ोन यूज़ करते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार मैं एक स्प्रे दे रहा हूँ आप उससे फ़ोन के ऊपर लगा लो और उसको वाइप कर दो, तो आपका फ़ोन मस्त क्लीन हो जाएगा. या फिर मैं बोलूँ यार ये टेम्पर ग्लास लगवा लो, अगर इसके ऊपर कुछ भी स्क्रैचेस आने का चांस है तो टेम्पर ग्लास के ऊपर स्क्रैचेस आएंगे और वो बाद में उतार कर तो दूसरा टेम्पर ग्लास लगवा लिए. तो आप इन दो चीज़ों में से क्या चूज़ करो. सपोज दिस इज द पॉलिश, ये आ रही है 300 रुपीज़ की, 300 रुपीज़ की यूज़ करिए एंड ये एक महीने बाद हो जाती है खत्म. एंड आपने उसी मंथ के अंदर करवाई अपनी बाइक के ऊपर मैंने जो PPF करवाई थी दैट वॉज ऑल अबाउट 1000 रुपीज़ इन न्यू डेली, जहाँ पर करोल बाग के अंदर मैंने प्रीवियस वीडियो डाली है वो जरूर देखना. वो वाली PPF मैंने कराई 1000 के अंदर एंड दैट विल वर्क अप टू 6 मंथ्स. अब जब मैंने PPF करवाई 1000 के लिए, 6 मंथ्स तक उसकी वैलिडिटी होती है, मतलब 6 महीने तक हमें वो उतारनी ही पड़ती. तो मेरा एक महीने का कॉस्ट आ गया अराउंड एंड अराउंड 170 या 160 रुपीज, ऑलमोस्ट हाफ द पॉलिश. एंड उसके अंदर मेरी बाइक के ऊपर जितने भी स्क्रैचेस हैं, जितनी भी डस्ट है, स्टोन वाली ऐसी चीजें हैं, वो उनमें से एक भी स्क्रैच नहीं आएगा. अगर कोई छेड़ने की कोशिश करता है तो भी नहीं आएगा. वही जब बात आ जाती है हमारी 300 रुपीज की पॉलिश, इसके ऊपर ना ये आपको स्क्रैचेस से बचाएगी, ना आपको ये बचाने वाली
किसी ऐसी चीज़ से जो एक्सटर्नली आपकी बाइक को हार्म कर सकती है। तो आप इसका मतलब समझ रहे हो या फिर वैल्यू बाहर समझ रहे हो कि कौन सी चीज़ बेटर है। मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ ना काम नहीं आएगी, काम आने वाली है आपकी पेंट प्रोडक्शन फिल्म। कहीं से भी करवा सकते हो, 3M की करवा सकते हो या फिर एक 6 नोन डिज़ाइनर के पास जा सकते हो जिसको आप कहो कि अगर मैं इसको 6 महीने बाद उतारूं तो फिर ये ग्लू ना छोड़े। दैट इज अ पॉइंट वेयर गुड PPF वर्क्स ऑन। लेट मी शो यू, अगर आप PPF लगा के रखते हो एक महीने तक, चाहे वो एक महीना हो 6 महीने हो, वो ऐसे ही रहेगा। और अब मैं इसको आपको रिमूव करके दिखाता हूँ कि क्या ये हमारी बाइक की मेंटेनेंस में एड इफेक्ट करता है या नहीं। अब देखो मैं इस चीज़ को निकाल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दम लग रहा है इसको निकालने में। एज यू कैन सी दिस इज वेरी वेरी टाइट एंड यस द ग्लू इज इंटैक्ट एज नॉर्मल एंड यू कैन सी द सरफेस इज हाईली प्रोटेक्टेड। यू कैन सी अभी यहाँ पे एक टुकड़ा लग गया इसका, ये लो। नाउ कहाँ गए वो लोग जो कह रहे थे कि दैट आपने एक लोकल शॉप से करवाया। दिस PPF कॉस्टेड मी जस्ट 1000 rupees फ्रॉम यश ग्राफिक्स करोल बाग दैट आई मेड अ वीडियो ऑन। यू कैन सी माई चैनल, यू कैन सी द वीडियो। अब देखो ये उतार दिया, अब इसके ऊपर कोई भी ग्लू स्टेन नहीं है, पूरी की पूरी ग्लू इसके ऊपर है। नाउ दिस इज़ अ कॉल्ड अ PPF क्वालिटी। यू कैन सी, अब देखो इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो ये दोबारा चिपक रहा है। This is called a good PPF. ये 3M नहीं था, this was recommended by my graphic person. अगर आपके पास एक अच्छा trustworthy graphic designer है तो उसके पास जाए करवाओ। उसने कहा था कि भैया 6 महीने तक चलेगी, इसका भी 6 महीने में रिप्लेसमेंट आएगा। पर थैंक गॉड दिस विल नॉट, ग्लू स्टेन्स विल नॉट स्टे आफ्टर रिमूविंग दिस थिंग। एंड गाइज, अगर आपने एक बार PPF करवा ली है या फिर आपने लैमिनेशन करवा लिया, उसके बाद आप उसको जैसे मर्जी धो, चाहे पूरी बॉडी पर पॉलिश लगाओ, क्योंकि आपके फ़ोन के ऊपर अगर टेम्पर ग्लास है उसके ऊपर स्क्रैच आएगा तो टेम्पर ग्लास पे तो आएगा, नॉट ऑन द रियर बॉडी और ऑन द रियल थिंग। ओके, सो आप में से अब काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि इसके ऊपर मैं पॉलिश कौन सी यूज़ करूँ, दैट आई शुड यूज़ व्हाइट सिलिकॉन पॉलिश और द वैक्स और एनीथिंग। सो गाइज, आपको बॉडी पर तो पॉलिश लगानी नहीं है, तो आपका आधा काम यहीं पर ख़त्म हो गया। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उसके लिए मैं लेकर आया हूँ ऑयल बेस्ड मोटो मैक्स। इसके अंदर एक स्पॉन्ज आता है, उसके अंदर ऑयल बेस्ड पॉलिश होती है जो काफ़ी देर तक टिकती है। उसको हम कह सकते हैं इट्स काइंड ऑफ अ टायर पॉलिश, यू कैन से इट इज काइंड ऑफ अ लिक्विड फॉर्म। और ये ना थिक कम होती है, इससे क्या होता है ये डस्ट को कम से कम अट्रैक्ट करती है एंड शाइन भी सबसे ज़्यादा देती है। सो लेट्स अप्लाई दिस एंड आई शो यू दैट कहाँ कहाँ लगानी है। ओके, सो आई हैव टेकन दिस पॉलिश, दिस इज द पॉलिश ओवर हियर, द मोटो मैक्स इंस्टा शाइन। If I'll find a link, I will give it in the description box below. And this is the bike over here. This is completely matte black bike with my PPF. जो मेरी बाइक है इसके ऊपर लैमिनेशन हुई पड़ी है, फिर मैं इसके ऊपर पॉलिश लगाऊंगा। ओके, सो आप लोग मत लगाना, अगर आपकी बाइक के ऊपर लैमिनेशन नहीं है तो इस पॉलिश को नहीं लगाना। दिस इज अ डिस्क्लेमर। ओके, बताना पड़ता है लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग मिसअंडरस्टूड कर देते हैं इस चीज को, दैट भैया आपने पॉलिश लगाई थी इसलिए मैंने लगाई एंड इसलिए आपकी वजह से मेरा टैंक ग्लॉस हो गया। आई वोंट बी रिस्पॉन्सिबल अगर आप ये चीज़ देखकर अपने टैंक पर जिसके ऊपर लैमिनेशन नहीं है क्रॉस, उसके ऊपर लगाते हो ये वाली पॉलिश। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोसीजर एंड आई विल टेल यू स्टेप बाय स्टेप दैट विच पार्ट्स टू डू एंड विच नॉट। अगर आप मेरे साथ साथ वीडियो देख ही रहे हो तो साथ साथ बाइक को भी देखना एंड उस बेचारे को भी देखना। वो जब से इतनी दूर है, अगर मैं पास जाता हूँ तो वो उठ के चला जाता है, बट आई डोंट वॉन्ट टू डिस्टर्ब हिम। ओके, पॉलिश के अंदर आता है हमारा बस एक स्पॉन्ज एंड नथिंग एल्स। इसके अंदर कोई लिक्विड फॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हर चीज़ है वो स्पॉन्ज के अंदर है। जब हम इस पॉलिश को अप्लाई करेंगे, आपको ये याद रखना है, आप बॉडी पर ना अप्लाई करके आप अप्लाई करो अपने ऐसी जगहों पर जहाँ पर इस पॉलिश की नीड है। ओके, सच एज इंडिकेटर्स, यू कैन सी जब मैं इस पॉलिश को इंडिकेटर पर लगा रहा हूँ, यू कैन सी द डिफरेंस दैट इट गिव्स अ शाइन। ओके, तो इस चीज़ को आप यहाँ यूज कर सकते हो, दिस इज वेरी गुड इन दिस थिंग। यहाँ पर हो गया, देन कम्स योर टेल लाइट सेक्शन, देन अगेन द इंडिकेटर्स। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप इसको नीचे ना गिरा दो एंड यू कैन सी दिस ड्राई सर्फेस, नाउ दिस टर्न्स कम्प्लीटली ब्लैक। सो दिस थिंग इन्हांसेस योर बाइक्स लुक काफ़ी हद तक। एंड आपको देखो जैसे यहाँ पर ये मैट पार्ट है, इसके ऊपर ना करके आप बस कर दो इसको अपनी जो ग्रिल सेट है इसके ऊपर एंड दैट विल बी मोर देन इनफ। मेक श्योर व्हेन यू आर यूजिंग दिस योर बाइक शुड बी एब्सोल्युटली क्लीन, वरना ये डस्ट अट्रैक्ट कर लेगा, गंदा हो जाएगा, देन काले काले निशान आ जाएंगे। यू कैन से नाउ, यू कैन सी द साइलेंसर आई एम डूइंग नाउ, ये कंप्लीट साइलेंसर मैं करने वाला हूँ आगे से लेके पीछे तक। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। ओके ओके, नाउ दिस इज टर्निंग कम्प्लीटली ब्लैक, ब्लैक काइंड ऑफ ग्लॉस ब्लैक यू कैन से।
बस ऊपर ऊपर से करने की जरूरत है, ज्यादा हमें कुछ ज्यादा नहीं करना है इसके अंदर। इक्वली अप्लाई करते जाओ लाइक अ क्लॉथ, इजी एंड गुड। इसको ज्यादा स्पॉन्ज को दबाना नहीं है आपको, ताकि इससे पॉलिश निकल ना जाए। ओके ओ भाई गिर गया, अभी गिर जाता तो उसके ऊपर आ जाती मिट्टी। थ्रो द मिट्टी अवे एंड होल्ड इट टाइटली दिस टाइम एंड पॉलिश इट। एज यू कैन सी दैट दिस इज गिविंग अ ग्लॉस फिनिश टू आ मड गार्ड ऑल्सो। इसको हमने यहाँ पर लगा दिया है। नाइस, वेरी गुड यार, वेरी गुड प्रोडक्ट आई थिंक। ईजी एंड कन्वीनियंट, ना ये ज़्यादा लगाता है, ना एक्सेस में लगाता है, ना चीज़ों को कम में लगाता है। दिस गिव्स अ प्रॉपर लुक एंड फिनिश टू योर एक्स। अब देखो गलती से मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ऐसी गलती मत करना, और अगर लगा दो तो इमीडिएटली सोचना मत, इमीडिएटली काम करना एंड इसको वाइप आउट कर देना। अब देखो वाइप आउट करोगे तो ऐसे रह जाएगा। अब इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये मत सोचना पॉलिश लग गई तो मुझे इसको उतारना ज़रूरी है। ये सोचोगे अगर आपकी पॉलिश लग गई है उसको उतारना ज़रूरी है, तो आपका जो पेंट है ना वो ग्लॉस में टर्न हो जाएगा आपकी रबिंग से। तो उसको रब मत करना, उसको लीव एज इट इज़, और उसको घर जाके या तो पानी से या फिर किसी चीज़ से ज़रूर वाइप आउट कर देना। ये सारी चीज़ें अपनी बाइक पर एक्सपेरिमेंट करके आप सब तक ये पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी ना करें। कैन कम्प्लीटली फील द डिफरेंस दैट बाइक का जो कंट्रास्ट है वो ऑटोमेटिकली ऊपर हो गया है इस चीज़ को यूज़ करते ही। मैंने ऊपर फ्रेम पर उसकी बॉडी पर इस चीज़ को यूज़ फिलहाल नहीं किया है, एंड आई डोंट रिकमेंड यू टू ऑल्सो यूज़। इस चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आप 2020 में बाइक लोगे एंड 2021 में उसको रीपेंट कराओगे तो उस बाइक को लेने का फ़ायदा क्या है, जिस चीज़ के आपने 20 to 23,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करे हैं, उसको क्यों डैमेज करोगे। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू रेन टुडे, देयर इज़ ग्रेट डिफरेंस। अब हमारी जो इंजन बे है वो पूरा ब्लैक हो चुका है, यू कैन सी देयर इज़ नो Not even a single white spot on the body. Sponge का कमाल है, I mean in just 20 rupees and इसके अंदर enough है अभी भी। Now you can say this side that this ये अब भी polish कर रहा है, there is enough liquid in this। ये आज की जो polishes आती हैं उससे ज़्यादा effective है, you can see। Wow, nice bike man, thank you so much। I think अब जो इसकी polish है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होनी शुरू हो गई है, बिकॉज आई कैन नोटिस द थिंग दैट ये कहीं ना कहीं लैग दे रही है मेरे काम के अंदर। नाउ गाइज एज यू हैव सीन द बाइक हैज टर्न कम्प्लीटली ब्लैक इन द थीम, यू कैन सी दैट इस बॉडी पार्ट पर मैंने पॉलिश नहीं लगाई एंड इट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड रेनिंग। दिस इज 2 January इज मॉर्निंग द डे यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। पर जब बात आ जाती है हमारे स्प्रॉकेट्स एंड चेन्स के ऊपर, इसकी जो मेंटेनेंस है, इसके लिए मैंने आपको ज़रूर बताया था लास्ट वीडियो में दैट आई एम यूजिंग मोटल प्रोडक्ट्स। ये मैं यूज़ करता हूँ C1 एंड C2, दीज आर वेरी फेमस प्रोडक्ट्स, आपने हर जगह देखे होंगे। दिस इज C1 केयर एंड C2 केयर, दैट इज़ द मोटुल चेन क्लीन एंड चेन ल्यूब। फर्स्ट आई डू इज पहले मैं इस बाइक को कभी भी आप स्टार्ट करें, कभी भी आप यूज़ करें मोटुल के ये प्रोडक्ट्स, इसके अंदर तीन आपको लेना है। चेन क्लीन आप ये वाला लोगे एंड इसके ऊपर स्प्रे कर दो, कभी भी बाइक स्टार्ट करके मत करना क्योंकि इसके अंदर उंगली फंस सकती है। एंड चेन क्लीन मारो, लीव इट फॉर 10 मिनट्स, टेक ऐसा कपड़ा लो जिसको आपको फेंकना पड़े और इसके अंदर लगा दो एंड क्लीन द चेन लाइक एनीथिंग। देन आपको क्या करना है, आपको ये मोटुल का प्रोडक्ट लेना है एंड इसको स्प्रे करना है चेन के ऊपर, ओके द C21। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी डायरेक्शन उस साइड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे केस में क्या हुआ था, जब मैंने चेन को ल्यूब किया था तो मेरी डिस्क ब्रेक के ऊपर दैट इज़ देयर, इसके ऊपर पूरी ल्यूब आ गई थी एंड मेरी जो ब्रेक एफिशिएंसी है वो ऑलमोस्ट 90% जा चुकी थी क्योंकि उसके ऊपर ल्यूब आ चुकी थी। सो यू कैन इमेजिन दैट यूजिंग दिस थिंग इज़ क्वाइट डेंजरस ऑल्सो, तो इसको ध्यान से यूज़ करना। ओके इस बाइक को मेंटेन करना आपको ज़रूर से आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशनल लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू द चैनल एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स भर भर के मैं देता हूँ, कंटेंट भर भर के देता हूँ, एंटरटेनमेंट भी वहाँ देता हूँ क्योंकि यूट्यूब के ऊपर मेरी डेडिकेटेड नीश है अबाउट द बाइकिंग कम्युनिटी एंड द कार्स। सो गाइज प्लीज़ फॉलो मी देयर एंड मी, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं मैं ज़रूर से आंसर करूँगा, जस्ट कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जस्ट इमेजिन बारिश का मौसम है, आपकी जो बाइक है इसके ऊपर जो मैट पेंट है इसके ऊपर आ जाती है बारिश की बूंदें, फिर आप इसको कपड़े से ऐसे करोगे साफ तो जितने स्क्रैचेस है ना वो ऐसे आएंगे आपकी बाइकों के ऊपर। अगर आप PPF करवा लोगे तो ये दिस विल बी लाइक दिस, क्योंकि मैट पेंट के ऊपर सिरेमिक कोटिंग करवाना, नेक्स्ट वीडियो उसमें बताता हूँ PPF वर्सेस सिरेमिक कोटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। इसके ऊपर पानी भी नहीं टिक रहा है इस पॉलिश के ऊपर, सो बारिश होगी कुछ भी होगा जस्ट वाइप दिस ऑफ एंड यू आर गुड टू गो। यार ये पॉलिश तो अच्छी है। बाय, टेक केयर, बी यू,
create new. Meet you in the next video super soon. So finally now we move towards the questions we get. कि इसके अंदर मुझे इतने सारे questions आए थे जब मैंने एक poll डाला था. I'm pretty sure कि आप सबने poll एक देखा होगा जो मैंने poll डाला था जहाँ पर मैंने पूछा था कि should I make a video on PPF या फिर उसके अंदर मैं questions क्या क्या पूछूँ आप लोगों से. आप लोगों ने कहा कि yes we should, we have some questions और मैंने कुछ questions को जो है वो फाइनलाइज किया है. एंड जो फर्स्ट क्वेश्चन उठकर आता है जिस टॉपिक के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ वो है पी बाय एक्सपेंसिव पॉलिश द एरोसोल पॉलिश और द थिंग आई हैव टोल्ड यू और वी शुड गो फॉर पीपीएफ और लैमिनेशन. अकॉर्डिंग टू मी अगर आप प्राइस पॉइंट देखते हो, सेफ्टी पॉइंट देखते हो और हर चीज़ देखते हो, आपने मेरी भाई देखी उसके ऊपर पीपीएफ हो रखा है, अगर आप सामने वालों के बताओगे नहीं तो फिर उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर पीपीएफ डन है. उसके अंदर कुछ चीज़ें पड़ जाती हैं जैसे मैंने आपको देखा कि उसके अंदर बबल्स वाली चीज़ थोड़ी सी आ रही थी एंड थोड़ा सा पता लग जाता है. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या वर्थ है तो आई थिंक यू शुड गो फॉर पीपीएफ प्रोटेक्शन फिल्म या फिर लैमिनेशन यू कैन से. नाउ द सेकंड मोस्ट आस्क क्वेश्चन जो लोग मुझसे पूछते हैं वो ये होता है कि जब हमारी बाइक के ऊपर कोई पीपीएफ नहीं है, कोई ऐसी पॉलिश नहीं है और उसके ऊपर हमारी बाइक पर आ जाते हैं स्क्रैचेस ऑन अ मैट पेंट, उसको हम कैसे रिमूव करें. अगर आपका एक ग्लॉसी पेंट है, मतलब जो शाइन वाला पेंट होता है, उसके ऊपर अगर स्क्रैचेस आ जाते हैं तो फिर उसको हम रबिंग करके, कंपाउंडिंग करके या फिर हम सिरामिक ट्रीटमेंट से, मतलब रब कर करके एक से ट्रीटमेंट से हटा सकते हैं. पर अगर आपके मैट सरफेस के ऊपर स्क्रैचेस आ जाए तो उसको बिल्कुल भी मत हटाना, आपको जो मैट पेंट है वो चला जाएगा. पेट्रोल से, थिनर से, इन सब के स्क्रैचेस ग्लॉस सरफेस से हट जाते हैं लेकिन मैट सरफेस से नहीं हटते. मैट की जो पेंट रिजिडिटी है वो ख़त्म हो जाती है. सो अगर स्क्रैच पड़ता है तो आई वुड सजेस्ट, अगर स्क्रैच पड़ता है सो इट्स बेटर टू लैमिनेट योर बाइक देन. आपकी उंगली से बाइक के ऊपर एक स्क्रैच ऑलरेडी पड़ चुका है तो उसके ऊपर पीपीएफ, मैट कलर्ड, मैट वाली पीपीएफ करवा लो, वो स्क्रैच ढक जाए एंड ट्राई टू फॉरगेट इट. व्हाट टू डू व्हेन वी गेट आर मैट प्लेंट ग्लॉस्ड आउट. इसका मतलब ये है कि तब क्या कर सकते हैं हम जब हमारा जो गाड़ी का या फिर बाइक का मैट पेंट है उसको हमने घिस घिस के, हमने अपना पूरा जोर लगा के हमने स्क्रैच मिटाने की कोशिश करी, दोस्तों वो हट गया. वो स्क्रैच तो हटाने, उल्टा हमारा पेंट ग्लॉसी हो गया या फिर किसी काम का नहीं रहा या फिर उसके ऊपर शाइन आ गई. आई वुड अगेन से यार तो आपको रीपेंट करवाना पड़ेगा विच इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू अटेन अ स्टॉक लुक, या फिर आपको करवाना पड़ेगा दोबारा से एक मैट पीपीएफ, क्योंकि अगर मैट वाली आप लैमिनेशन उसके ऊपर करवा दोगे तो मैट लुक आ जाएगा. आप समझ सकते हो ना, आप मेरा पॉइंट समझ गए क्योंकि होंगे. आई होप मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूँ. बाकी जो पीपीएफ वर्सेस सिरेमिक कोटिंग की जो वीडियो है वो ज़रूर से आएगी. आई होप आप में से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन होंगे इस चीज़ को लेकर, वो भी ज़रूर आएगी, डोंट वरी एट ऑल. पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के बाद मैं आपको अपनी सारी नॉलेज दे चुका हूँ इस चीज़ के ऊपर, इस पूरे टॉपिक के ऊपर. आई होप आपको कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई होगी या फिर आपको पॉइंट समझ आया होगा कि यस अगर वो दिक्कत मुझे है, अगर वो दिक्कत आपको है कहीं ना कहीं तो वो दिक्कत मुझे भी है. एक मॉरल सपोर्ट होना सबके लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. आप बस वो दिक्कत कमेंट करो, मैं उस कमेंट को कर दूंगा हाईलाइट. अगर आपकी जैसी दिक्कत किसी और को भी होती है तो वो उस कमेंट को पढ़ेगा. एंड गाइस दो मुँह मियाँ मिठू नहीं बनना चाहूँगा पर मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शायद ही किसी ने दी होगी. सो मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो क्योंकि अभी शेयर करने से ही हम आगे बढ़ेंगे एंड ऑसम कंटेंट आता रहेगा. हैप्पी न्यू ईयर. अरे हैप्पी न्यू ईयर तो बोलने भूल गए, फर्स्ट ऑफ दिसंबर है. हैप्पी न्यू ईयर अगर आप फर्स्ट है, आप सेकंड को देख रहे होंगे. अगर हैप्पी न्यू ईयर ये साल आपके लिए प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस का एक बहुत अच्छा स्रोत बने. और बस बाकी मिलते हैं एक नई और फ्रेश वीडियो के अंदर. बाय बाय.